आज रिलेशनशिप में सामने वाले से आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला वैसा नहीं करता है और यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। माय डियर, आप सामने वाले से जैसा एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला नहीं करता है, क्या आप करते हो? सामने वाले से आप रिस्पेक्ट चाहते हो, क्या आप करते हो? सामने वाले से चाहते हो वो आपकी केयर करे, क्या आप करते हो? माय डियर, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। आप जैसा रिलेशनशिप के अंदर करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप रिलेशनशिप में चाहते हो कि एक बेहतर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप एक वजनदार रिलेशनशिप हो, आपके रिलेशनशिप में एक वजन हो, एक गहराई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप गलतियां कहां कर रहे हो, ये कमी कहां हो रही है, और फिर सामने वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करने का काम कर रहे हैं। और मैं यहां पर सिर्फ एक टाइप के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सभी प्रकार के रिलेशन की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का रिलेशन हो, मैं दोनों प्रकार के लाइफ के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। माय डियर, आप चाहते हो हर एक व्यक्ति से जिससे आप चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप बनाऊं, माय डियर, आप चाहते हो कि एक बेहतर रिलेशन क्रिएट हो, आप चाहते हो उसके अंदर ट्रस्ट हो, स्ट्रांगनेस हो उस रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार आपके रिलेशन ब्रेकडाउन होते जा रहे हैं, लेकिन इसका रीजन ना आपको पता है ना सामने वाले को पता है, बस सामने वाला आपको ब्लेम कर रहा है, आप सामने वाले को। तो माय डियर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई रिलेशनशिप्स ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप क्यों ब्रेकडाउन होते हैं, आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कौन से ऐसी आपसे मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं। तो तीन चार ऐसी मिस्टेक हैं, तीन चार ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से लगातार रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होते जा रहे हैं। आज शुरू शुरू में जब भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिलेशनशिप हल्का हो जाता है। माय डियर, कई लोग जब शादी के शुरुआती मंथ में बड़ा अच्छा रिलेशन चलता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें एक दूरी उत्पन्न हो जाती है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कहां है, आप कहां है, फिर उसकी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस क्यों आ जा रहा है, ये जो दूरियां क्रिएट हो रही हैं क्यों क्रिएट हो रही हैं, ये जो बड़ा सा एक गैप आ चुका है ये क्यों आ रहा है? माय डियर, शायद इसका रीजन आप जानना चाहते होगे, और इसका रीजन कोई और नहीं है, इसका रीजन आप हो। और जिसको ये वीडियो आप चाहते हो रिलेशनशिप का मीनिंग समझाना, उसको ये वीडियो जरूर अभी तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं वो रीजंस के बारे में जिसकी वजह से रिलेशन में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन हल्का हो जा रहा है। तो माय डियर, पहला रीजन क्या है? क्रिटिसिज्म। आप रिलेशनशिप में हो तो कई बार आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हो, आप जानबूझ के उसे नीचा दिखाने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करते हो, आप उसे बेहतर बनाने के लिए क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन माय डियर, आप इंटेंशन आपका जो है वो तो सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है। जब भी रिलेशनशिप में सामने वाले को आप क्रिटिसाइज करोगे वो रिलेशनशिप हल्का हो जाएगा। माय डियर, आप बहुत बार सामने वाले को बेहतर बनाने के लिए, सामने वाले में क्वालिटी डालने के लिए, सामने वाले को एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए समाज के सामने आप उसे क्रिटिसाइज करते हो कि इस पर काम करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, तेरा ये सही नहीं है, तेरा ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं सही, और जिसकी वजह से जानते हैं क्या हो रहा है, एक धीमा जहर आप रिलेशनशिप में घोल रहे हो और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हल्का होता जा रहा है। माय डियर, आप क्रिटिसाइज का सहारा क्यों लेते हैं? अगर बेहतर बनाना चाहते हैं किसी को तो उसके और भी तरीके हैं, आप क्रिटिसाइज का सहारा क्यों ले रहे हैं और जिसकी वजह से दोनों साइड दुख हो रहा है? माय डियर, अगर रिलेशनशिप ब्रेक होता है सिर्फ एक पक्ष दुखी नहीं होता है, दोनों पक्ष दुखी होते हैं। माय डियर, तो ऐसा आपको नहीं करना है, कि रिलेशनशिप में कभी भी क्रिटिसाइज आपको नहीं करना है सामने वाले को, अगर आप अपने रिलेशनशिप में वजन चाहते हो, अगर आप अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो। दूसरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट का तिरस्कार, वैसे रिलेशनशिप के अंदर लोग सामने वाले का तिरस्कार करते हैं, उसके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। माय डियर, कई बार आपके शब्द, कई बार आपके एक्ट सामने वाले के रिस्पेक्ट पर सीधा वार करते हैं, और जब सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील होता है तो वो आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाता है, और जब उसका डिस्टेंस देखकर आप फिर से एक्ट करते हो, फिर से उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन हल्का हो जाता है। तो माय डियर, आपको ये नहीं करना है।
आपको कंटेम्प्ट ऑफ रिलेशनशिप पर ध्यान देना है कि आप कभी भी आपके शब्द, आपका एक्ट सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट ना दें, मतलब सामने वाले के रिस्पेक्ट पर वार ना करें। इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो एक हेल्दी रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो कि अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकें, अगर आप चाहते हो कि अपना रिलेशनशिप एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बना सकें, तो माय डियर आपको कंटेम्प्ट ऑफ रिलेशनशिप पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? डिफेंसिवनेस। अब ये डिफेंसिवनेस क्या है जो रिलेशनशिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर? डिफेंसिवनेस, और सभी लोग ये मिस्टेक करते हैं, और माय डियर आपने भी अपने रिलेशनशिप में ये मिस्टेक आपने की होगी। यहां पर हम दो तरीके से डिफेंसिवनेस को समझेंगे, एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफेशनल लाइफ में डिफेंसिवनेस क्या होता है। आइए इसको बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पर समझते हैं कि डिफेंसिवनेस क्या है। माय डियर सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, राइट? तो आपकी कंपनी का सेल डाउन हो गया, तो आपने क्या किया, जितने भी सेल्स पर्सन थे उनसे कहा कि आइए हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारे इस मंथ का सेल क्यों कम हुआ। तो आपके दो मेन लीडर थे, सबसे पहला ए, दूसरा बी। आपने क्या किया, आपने ए मेंबर से पूछा कि भाई इस मंथ का सेल हमारा डाउन क्यों हुआ। उसने कहा कि साहब इस मंथ में एक रविवार ज्यादा पड़ गया है, साहब इस मंथ में तीन छुट्टियां ज्यादा पड़ गई हैं, इस वजह से हमारा सेल कम हो गया है। साहब इस महीने सूर्य का तापमान ज्यादा हो गया, इसलिए सेल हमारी कम हो गई है। इस महीने हमारी जो टीम है उसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, इस महीने हमारी मार्केटिंग टीम में हमको सपोर्ट नहीं मिला, इस महीने हमारे अपलाइन ने हमको सपोर्ट नहीं किया, इस महीने हमारे प्रोडक्ट ने हमको सपोर्ट नहीं किया, इस महीने हमारे कस्टमर निकम्मे निकल चुके हैं, इस महीने हमारी जो पृथ्वी है वो जो घूम रही है उसने थोड़ा स्लो घूमा, इस महीने जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ा 22.5 डिग्री पीछे झुक गई है, इस वजह से सेल नहीं हुई। मतलब कि वो आपको सारा ज्ञान दे देंगे, वो अपनी गलती लेकिन नहीं मानेंगे। इसको बोलते हैं डिफेंसिवनेस। जब दूसरे से पूछा कि साहब क्या गलती रही जिसकी वजह से हमारी सेल इस महीने की डाउन रही, हाँ साहब डाउन रही, कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, और इस महीने जो हुआ हुआ, लेकिन अगले महीने हमको क्या करना है, अगले महीने इन गलतियों पर काम करके हमको और बेस्ट, मतलब इस महीने का भी और अगले महीने का भी कवर करके ज्यादा सेल निकालना है। तो दो मेंबर है ए और बी, इसने डिफेंसिवनेस का प्रयोग किया। माय डियर, और रिलेशनशिप में आप करते हो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप डिफेंसिवनेस का प्रयोग करते हो। आइए पर्सनल रिलेशनशिप में समझते हैं। सपोज कीजिए कि दो लोग हैं, राइट? दो लोग हैं, फिर से लेते हैं ए एंड बी, दो लोग हैं, और जो ए मेंबर है ये शराब पीता है, तो बी मेंबर ने इससे कहा कि साहब शराब क्यों पीते हो, तो बताने लगा कि साहब शराब हम नहीं पीते हैं, दोस्त हैं जबरदस्ती मानते ही नहीं पिला देते हैं। तो एक रीजन ये हो गया उसने दिया। दूसरा, साहब कहां यार एक दो पैग से क्या होता है, शराब कहां पीते हैं हम यार, इसको कहीं पीना कहते हैं। दूसरा, एक मेंबर होता है कि एक्सेप्ट कर लेता है कि हां भाई मैंने शराब पी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इसको छोड़ने के लिए। तो पहला जो एग्जांपल हमने लिया कि उसने बताया कि साहब हम शराब कहां पीते हैं, एक दो पैग से क्या होता है साहब। दूसरा, उसने बताया कि साहब हम नहीं पीते, हमारे दोस्त मानते ही नहीं, जबरदस्ती पी लेते हैं कभी कभी। तो इससे क्या है, वो अपनी गलती नहीं मान रहे। डिफेंसिवनेस का क्या मतलब है, अपनी गलती को ना मानना, ये होता है डिफेंसिवनेस। मतलब उसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार हो गई, बस सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। और इस नेचर की वजह से आर्ग्यूमेंट रिलेशनशिप में ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, और यही आर्ग्यूमेंट आपके रिलेशनशिप में दोनों पक्षों में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिलेशन आज हल्के हो रहे हैं। माय डियर, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ये डिफेंसिवनेस क्यों पैदा होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। आइए जानते हैं। अब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ए बी, ये हस्बैंड वाइफ है, एक पेयर ये हो गया, राइट? दूसरा पेयर ये हो गया सी एंड डी, डी हो गया, यहां पर सी डी बना देते हैं, यहां पर एक और पेयर हो गया सी एंड डी। इसमें ये हस्बैंड है और डी हस्बैंड है, राइट? ये वाइफ है, सी वाइफ है, ए वाइफ है और सी वाइफ है। तो माय डियर, अब डिफेंसिवनेस को समझते हैं कि क्यों पैदा होता है। सपोज कीजिए कि यहां हस्बैंड से कोई गलती हुई, तो क्या हुआ, बीबी ने कहा कि चलो ठीक है, गलती की आपने, बहुत बड़ी गलती की, उस पर क्लास भी लगाई, और क्लास लगाने के बाद कहा कि नेक्स्ट टाइम इसकी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कि यहां पर डी के साथ क्या हुआ, डी से वही गलती हुई, तो उसी गलती पर उसकी बीबी ने अच्छे से उसको सुनाया, और बार बार जब देखो तब उसको लेकर ताना मान रही है कि तुम तो सही से चल ही नहीं पा रहे हो, तुमसे आए दिन गलतियां हो जा रही हैं, आए दिन तुम ये कर देते हो, आए दिन ये कर देते हो, कोई छोटी गलती हुई उसी गलती को दोबारा ले आई। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। जब वो इरिटेट हो जाता है तो क्या करता है, अब उससे जब दोबारा गलती होगी तो गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार गलती किया तो 6 महीने हमारे गए,
क्योंकि 6 महीने तक ताने मिलने हैं, तो माय डियर इस वजह से भी डिफेंसिवनेस पैदा हो जाता है। तो यहां पर दोनों पक्षों को समझना चाहिए, चाहे वो बॉस हो या फिर वो बीवी हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो टीम मेंबर हो, सबको यहां पर बात को समझना चाहिए, एक दूसरे की चीजों को समझना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट करने के बाद उसको बेहतर करने पर काम करना चाहिए मिलकर एक दूसरे के साथ। इस तरह से आपका रिलेशन बेहतर समय तक टिकेगा, इस तरह से आपका रिलेशन और ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट रीजन क्या है माय डियर? नेक्स्ट रीजन है स्टोन वॉलिंग। अब स्टोन वॉलिंग क्या है? स्टोन वॉलिंग का मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड ना करना, सामने वाले को रिस्पॉन्ड ना करना। माय डियर जब दूरियां क्रिएट हो जाती है ना, तो उसके बाद ये वाला फेज आ जाता है। इसमें रिश्तों में एक वॉल क्रिएट हो जाती है, एक दीवार बन जाती है, फिर एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना सामने वाले बंद कर देते हैं। माय डियर जब एक डिस्टेंस क्रिएट हुई और एक दूसरे को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, अच्छे बुरे पर रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों लोगों के बीच स्टोन वॉलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा हल्का हो जाता है, इसी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है माय डियर। तो आज ये जो 4 रीज़न आपने जाने, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और माय डियर अगर इन 4 रीजन पर अगर आप काम कर ले गए, तो आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को एक गहराई तक दे सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत और वजनदार बना सकते हो, जिससे आप तो हैप्पी रहोगे लेकिन जब आप स्ट्रेस में जाओगे, जब आप तकलीफ में होगे, तो एक दूसरे की हेल्प होगी, जिससे एक दूसरे को स्ट्रेस से बाहर निकालने में एक दूसरे लोग हेल्प करेंगे। तो माय डियर आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा साधुवाद आपको है कि आप जीवन में हमेशा हैप्पी रहें और आपके जितने भी रिलेशन हैं वो अच्छे से मेंटेन और हेल्दी रहें। इसी के साथ आप सभी को अलविदा, प्यार से आप सभी को।